ये है बदले का गैंग वॉर, ये है गैंगस्टर आनंद पाल का बदला, ये है आनंद पाल की गर्लफ्रेंड का हिसाब, पुरानी रंजिश का इंतकाम क्या होता है, आज राजस्थान का सीकर इसका गवाह बना, सरेआम गोलीबारी और हाथ में लहराते हथियार, गोलियों की आवाज से सन लोग। हैरान करने वाली ये तस्वीर गैंग वॉर की है, हथियार लहराते चार हमलावर आए और कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहट को गोलियों से भून कर चलते बने। हमलावर कोचिंग की ड्रेस में पहुंचे, राजू ठेहट को कॉल बेल बजाकर बाहर बुलाया और फिर गोलियों से भून दिया। उसे तीन गोली लगी, एक बदमाश ने फायरिंग का वीडियो भी बनाया और फिर ऑल्टो कार से फरार हो गए। पुलिस कुछ समझ पाती, कुछ अंदाजा लगा पाती, इससे पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अजरबैजान में बैठा गुर्गा रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में रोहित गोदारा ने दावा किया है कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल की मौत का ये बदला लिया गया है। देखिए, फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक चार लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, उससे ये पता चलता है कि चार लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताऊंगा। गैंगस्टर राजू ठेहट और आनंद पाल गैंग की दुश्मनी पुरानी है। गैंगस्टर राजू ठेहट ने आनंद पाल पर हमला किया था जिसमें वो बाल बाल बच गया। बाद में पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल ढेर हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा को एनआईए ने दबोच लिया, लेकिन राजू ठेहट और आनंद पाल गैंग की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। बाद में आनंद पाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाथ मिला लिया। लॉरेंस गैंग ने इसी दोस्ती को मजबूत करने के लिए आनंद पाल के दुश्मन राजू ठेहट को टारगेट बनाया और अजरबैजान में बैठा रोहित ने हरियाणा से शूटर्स को हायर कर राजू पर हमला करवा दिया। राजू ठेठ ये राजस्थान का एक बड़ा गैंगस्टर था और ये गैंगवार उस वक्त हुआ जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए बकायदा एक एक करके तमाम जो हरियाणा दिल्ली पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टर हैं उन पर शिकंजा कस रही है। कई गैंगस्टर पर यूएपीए लगाया गया है। इन सबके बीच ये बड़ी गैंगवार है और बताया जा रहा है कई गोलियां मारी गई हैं। राजू ठेठ है उसको राजस्थान के सीकर में, जिसकी तस्वीरें भी आई हैं। राजू ठेठ पर हमला राजस्थान के सीकर में हुआ, लेकिन इसकी प्लानिंग अजरबैजान से हुई और इस पर मुहर हरियाणा में लगी। 24 साल के राजू ठेठ का शेखावटी इलाके में वर्चस्व था। महंगी गाड़ियों और बाइक का शौकीन राजू ठेहट ठिकाना बदलता रहा और रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालता रहता। ठेहट की हत्या के बाद सीकर में दहशत है और अब पुलिस को भी गैंग वॉर के तेज होने का ये डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।